उपचुनाव की उठापटक के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कांग्रेसियों में हड़कंप मचा है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही बाल मुकुंद सिंह गौतम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बदनावर दौरे में शामिल थे। देखिए इस रिपोर्ट में। धार जिले के बदनावर सीट पर होने वाले उपचुनाव के पहले कोरोना के कहर ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। जी हां, धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बदनावर दौरे में शामिल थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के भी संपर्क में आए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि गौतम इसी दौरान कोरोना से संक्रमित हुए एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने के बाद टेस्टिंग करवाई गई थी। धार जिले की बदनावर सीट पर होने वाले उपचुनाव के पहले कोरोना के कहर ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। जी हां, धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बदनावर दौरे में शामिल थे। इस दौरान वे बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में आए थे। कयास लगाया जा रहा है कि गौतम इसी दौरान कोरोना से संक्रमित हुए एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने के बाद उनकी टेस्टिंग करवाई गई थी, जिसकी मंगलवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके लैबड निवास पर भी जा पहुंची है, जहां परिवार की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब राजनीतिक हलकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, धार।